आज हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे और यह जानेंगे कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इन्वेस्ट कर भी सकते हैं तो क्या यह अच्छा रिटर्न देगा हमें, और मान लीजिए कि चलो अच्छा रिटर्न दे भी गा तो क्या क्या होगी इसकी चाल, कैसे पता चलेगा हमें कि अब बाई करना है अब सेल करना है, यह कंडीशन कैसे पता चलेगी। तो इसी के बारे में एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग में कोई स्टॉक को चेक करें कि मान लीजिए इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, सिंपल तो आप सिंपल तरीके से करिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तब किया जाता है कि जब मान लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है, अब फाइनल हो गया कि हमें इसमें पैसे डालने हैं 5 साल 10 साल के लिए, उस समय फिर टोटल उसकी सेल्स से लगा के हर चीज़ देखी जाती है। उसके पहले सिंपल तरीके से आप करिए, और जितना बड़ा स्टॉक मान लीजिए कि जितना बड़ा से मतलब है कि जितने ऊपर से मान लीजिए कि जितने ज़्यादा समय के लिए कोई स्टॉक गिर गया है ना, जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया है, ये टाटा मोटर्स हो गया है, और भी जैसे दूसरे स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक हुआ हो, मान लीजिए कि लंबे समय से वो गिरे हुए हैं, तो आप फिर उस चार्ट की सेटिंग, मैं टेक्निकल पे बता रहा हूँ अभी, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हम, है ना। तो आप उस चार्ट की सेटिंग वीकली कीजिए, आपको सही से बिल्कुल परफेक्ट उसका फिर रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा याद रखें, जब भी आप चार्ट देखें तो आपको वो देखना है कि जो दूसरे को नहीं दिख रहा है। या अब जैसे इसी चार्ट को ले लीजिए, अब ये W है, ये सारी चीज़ें हैं ना, सभी को दिख रही है, जितने भी होंगे सभी को दिख रही। आप जब भी एनालिसिस चाहे 1 दिन पे करिए या 5 मिनट पे, ये हमेशा बिल्कुल मतलब आप गोल्डन रूल बना लीजिए एक तरीके से आपका, कि जब भी एनालिसिस में चार्ट ऐसा देखिए कि जो कोई देख ही नहीं पा रहा हो आपको, उस तरीके से। ज़रूरी नहीं चार्ट ही देखना है, इंडिकेटर पे देखिए, नए नए तरीके अपनाइए, पर परफेक्ट उनका लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे आपने मतलब उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, कुल मिला के हमें रिजल्ट से मतलब रहता है। दोस्तों अब ये वीकली चार्ट है आपके सामने लगा हुआ है, और लास्ट में फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि इसमें बाई करना चाहिए या नहीं, या इसमें हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वीकली चार्ट है, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पैटर्न हमेशा बना हुआ है, कौन सा है, W वाला, जैसे कि यहाँ से देख रहे होगे, है ना, ये पैटर्न, ये हमेशा पैटर्न बने हुए हैं, ये जैसे बड़ा W बन गया एक, ये इसमें 3 ऐसे पैटर्न है जिससे आपको बिल्कुल, ये पैटर्न चाहे तो आप लिख के भी रख सकते हैं क्या, या फिर आप ऐसे ड्राइंग भी बना के या फिर चार्ट पे भी देख सकते हैं। एक बार बताऊंगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा, फ्यूचर में जब भी ये आगे बढ़ेगा, मान लीजिए कि इस ये अब एक सही रेंज मतलब मल्टीबैगर तो खैर ये स्टॉक अपने आप में ही एक मल्टीबैगर है, चाहे वो 60-83 रुपये पे काम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट में इस बारे में बात करूँगा, आपको एक चीज़ मतलब कुछ बताऊँगा जिससे आपको डिसीजन लेने में। इसमें 3 तरह के पैटर्न बन रहे, एक W बन रहा है, ये W इसे ये तो है ही सही, दूसरे भी आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल W आपको मिल जाएंगे, है ना, डबल टॉप वाले। एक U वाला पैटर्न मिलेगा आपको, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, है ना, ये यहाँ पे आ गया, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं रहता है, ये यू पैटर्न है। अब इन पैटर्न का क्या मतलब है मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। एक ये पैटर्न कौन सा, ऊपर जाएगा, फिर ये एक जैसे ये फ्लैग पैटर्न जिसको बोलते हैं ना उस टाइप का, पर इसको फ्लैग पैटर्न नहीं बोलते हैं, उसका रूल अलग है, सभी पैटर्न अलग अलग, उनका परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, टेक्निकल में कभी भी कोई परफेक्ट नहीं रहता है, डेटा में परफेक्ट चलता है, इसमें आपको टेक्निकल में हमेशा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। आज भी एक सर ने कमेंट किया था, वो NR4 के बारे में, खैर उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, पर उनको भी मैंने यही बताया कि परफेक्ट फिक्स कुछ भी नहीं चलता, टेक्निकल में आप नियम बना लीजिए कि इसमें परफेक्ट एक फिक्स जो रूल है वो कभी काम नहीं करेगा। फिक्स रूल पे तो क्या है कि हमारा अकाउंट हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट में, डेटा में हमेशा फिक्स एक रूल चलेगा, जैसा ही आपको हमेशा डेटा इसमें जो, खैर अब वो बात हम बाद में करेंगे क्या है क्या नहीं, ये मैंने बताया ये वाला जो फ्लैग वाला है ये हमेशा
ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ले लीजिए। अब इन पैटर्न का, ये तो आप भी बोलने लग जाओगे कि यार ये तो सभी देख रहे हैं ना, ये दिख ही रहा है, अब इसमें नया क्या है। अभी मैं नया बताऊंगा इसमें क्या है। ये W W है, U है, ये तीन ही है इसमें पैटर्न वीकली चार्ट पे, है ना। अब ये तो सभी को दिख रहा है, आपको इसमें कोई भी है, ये आप कोई सा भी स्टॉक उठा सकते हो, कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, आपका नज़रिया अलग तरीके से होना चाहिए देखने का। ये तीन लाइन है, आप इन सबको भूल जाइए, सबसे लास्ट वाली को देखिए। ये स्टॉक जो ये RSI है, हमेशा जो ये इसकी ये फर्स्ट वाली लाइन सबसे लास्ट वाली देखिए, 38 पॉइंट पे लगी हुई है ये, इसको हमेशा रिस्पेक्ट किया इसने, ये इसको हमेशा रिस्पेक्ट किया, ये इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करा इसने आगे भी, ये इसको ब्रेक करके गया तो फिर इसके लिए ये सपोर्ट बन गया है, ये है ना, इसको तोड़ के नीचे आई थी रेजिस्टेंस है, ये कहाँ तक काम करा, यहाँ तक, जब तक इसने बड़ी मूव नहीं दी तब तक के लिए। इसको देखिए यहाँ पे, जब तक बड़ी बड़ी मूव स्टार्ट नहीं करी उसके पहले इसने ये इसी लाइन के पास चला है ना, ये इसके लिए सपोर्ट और रजिस्टर। उसके बाद जब भी इसने इसको ब्रेक किया है, जब से मतलब यहाँ नहीं, पैटर्न ने, इसीलिए आपको पहले बताया था कि पैटर्न ना याद रखना इसके क्या क्या है ना, इनको ब्रेक किया, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, फिर आप तीन ही को मिला के देखोगे तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इसमें डिसीजन लेने में। इसको फिर दूसरी लाइन ले लीजिए, फिर इसने बड़ी मूव दी तो फिर उसके लिए मेन ये बन गया सपोर्ट और रजिस्टेंस, ये वाला, ये पॉइंट कौन से नंबर, कितने पे ये, लगभग 47 के समथिंग है, पहले 38 ही है ना, हाँ 38 पे है, उसके बाद ये लगभग 50 के समथिंग आप मान सकते हो इसको, 49 50, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लगा के देखना इसको, ये इसके लिए मेन वो बन गया क्या, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हमेशा इसने ये किया, इसको ब्रेक करके ये गया। आप ऐसे बिन अभी एक पल के लिए मान लीजिए कि ये नहीं है दोनों, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से इंतज़ार करोगे या कभी भी इंडिकेटर है ये इस तरीके से रीड ही नहीं होते, अगर ऐसे सिंपल तरीके से सभी रीड कर लेते फिर सभी पैसे ही बनाते हैं, तो ये बात समझो आपके ये इस तरीके से कभी भी रीड नहीं होते, इंडिकेटर है, इनको अपने तरीके से रीड करना होगा, इनका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो आप। ये इसके लिए फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, और ये टारगेट है इसका, ये लाइन हमेशा इसके लिए टारगेट रही है, ये जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा तब तक ये वापस मतलब ये इसको ब्रेक करके नीचे आया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका, इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाएगा ये वाली लाइन को, तो आप मान लीजिए कि इसके अच्छी अच्छे वक्त चालू हो जाएगा, अच्छा वक्त। अब ये कैसे कंफर्म करेगा कि चलो यार वीकली पे तो अब इसके ऊपर, याद रखना कि सिर्फ इसके क्रॉस करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको दो पैटर्न ना याद रखना, W को भूल जाओ, W हमेशा इसके बाद ही बनेगा, पहले कभी नहीं बनेगा, मान लीजिए ऐसे फेक बन भी जाएंगे, इसका इतिहास है पुराना क्या, कि या तो ये इस पैटर्न में चला है ये, है ना, या फिर ये एक ये छोटा यू जो भी बोलते हैं आप इसको, है ना, इस तरीके से। जब भी आपको ये पैटर्न या फिर ये पैटर्न, है ना, इन दोनों में से जहाँ तक होगा यही वाला बनेगा, जहाँ तक होगा यही वाला बनेगा, या तो ये बन के और ये ऊपर निकले 47 के, तब बाई करना आप, तब आप फाइनल फिर सोच लेना, या फिर ये वाला पैटर्न बन जाए, है ना, फ्लैग पैटर्न टाइप का, और ये क्रॉस कर दे उसके बाद करना, ये यहाँ पे टच होके नीचे जाएगा, यहाँ से मान लो बीच में कंसोलिडेट, मान लीजिए यहाँ से क्रॉस करा और सेम पैटर्न बन रहा है, तो आप फिर एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं यार अब ये एक अच्छी जर्नी इसकी चालू होगी, ऐसा नहीं है ये तो ऊपर नीचे टच, ये तो हमेशा कोई भी स्टॉक हो हमेशा ऐसा ही चलेगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया, ये एक सिंपल मतलब हमेशा सिंपल तरीके से करना, मैंने चाहूँ तो इस पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो पूरा डिटेल बता सकता हूँ, पर बना सकता हूँ, पर ये अब जब बनाएंगे, जब ये क्रॉस करेगा और मुझे वो पैटर्न दिख जाएगा ये वाला।
जब इसने फ्यूचर में ब्रेकआउट दिया था इसको, सबसे पहले वो वाला देखना है हमें। दूसरे पैटर्न से कोई मतलब नहीं, क्या बन रहे क्या नहीं भी वीकली पे। एक ये पैटर्न याद रखना आप हमेशा, एक ये वाला। अब इनको बारीकी से समझोगे तो समझ में आएगा, ऐसे तो कोई मतलब भी नहीं है क्या, कितना भी कोई भी समझाएगा आपको वो पॉइंट पकड़ने जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, न कि वहाँ से के बीच में से। ये जो है ना, ये डब्ल्यू वाले जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं, क्लियरली तो कोई सा भी नहीं बनेगा। ये जैसे कि क्या छोटे मोटे, ये अगर इनको डेली पे देखोगे तो ऐसे ही बने हुए मिलेंगे आपको बहुत सारे, डबल टॉप वाले, डबल बॉटम वाले, इस टाइप। उनसे कोई हमें वो नहीं है। मेन चीज़ देखो कि कब ये रियल में स्टार्ट होगा। अब चलो ये मान लिया कि ये भी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कब इसकी रियल जर्नी चालू करेगा। जब तक ये यहीं पे है, यहाँ से भले ही आप सेल कर दो, बाय कर दो, इसको मान लीजिए कि वो क्रॉस कर दे, ये शायद आगे पीछे हो गई है कुछ। तो ये हमेशा आप क्या है कि इस पे ध्यान रखना, ये इसी तरीके से चलता है। अब दूसरी चीज़, हमेशा मान लो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करना है चीज़, एक ये देख लेना इसका, कोई भी स्टॉक हुआ हो उसका पिछला इतिहास देख लेना कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था, है ना। स्टार्ट का मतलब उसने ब्रेकआउट किस तरीके से दिया था, उसमें उसके पहले के कौन से पैटर्न थे। आगे वाले नहीं देखना हमें, बाद वाले तो बाद में बने हैं। वो जब एक छोटा स्टॉक था, जब वो छोटा था तब कौन से पैटर्न बन रहे थे, हमें वो देखना है। ये हो गया। उसके बाद आप जब भी ये, जैसे कि हमें कंफर्म हो गया कि नहीं यार अब बाई तब करना है कि 52 से ऊपर चला जाए, है ना। एक ये सपोर्ट रहेगा इसके लिए हमेशा, इसको मान लीजिए ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो तो वापस आपको उसी रेंज में आए मौके ये क्रॉस कर देगा, आपको 60 के लेवल पे मिल जाएगा। उससे भी कोई मतलब नहीं क्या, मान लीजिए कि इसको क्रॉस भी कर देगा, दोनों ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है तो आपकी प्राइस भी। इसकी जर्नी कब स्टार्ट होगी वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से फिर आप मान लीजिए कि ये, अब मान लीजिए कि ये जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रॉस दिया पर इसने ये पैटर्न नहीं बनाया था। सिंपल सी चीज़ है, आपको पुराने पैटर्न बहुत बारीकी से देखना पड़ेंगे, तब समझ में आएंगे क्या हो रहा क्या नहीं। अब ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात, हमेशा कोई सी भी कंपनी हो उसका कम से कम इक्विटी और प्रॉफिट जरूर देखा करें। जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, इसमें गए ये जैसे कि इस इका है ना, इसका प्रॉफिट देख लीजिए। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है वो कैसे भी कमाया, उससे कोई मतलब नहीं है। और इक्विटी, इक्विटी से मतलब है कि इसने कितने शेयर दे के कितने का प्रॉफिट किया, मतलब कि इसको पैसे कितने मिले और इसने बिजनेस कितने अच्छे तरीके से करा। ऐसे स्टॉक में आप इन्हें हमेशा अच्छे से आंख बंद करके पर तरीके से उसके नियम के अनुसार बिल्कुल इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न हमेशा मिलेगा। ये बात हो गई, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया जब इसमें हमें रियल में बाई करना होगा कि नहीं यार अभी ये चलो कंडीशन फुलफिल कर दी इसने, अब इसको बाई जब भी करेंगे उसके उस रोज़ फिर इसके सेल्स से लगा के टोटल इनके एम्प्लॉय से लगा के इस कंपनी में ये टोटल, फिर हम उसकी बात करेंगे। हमेशा ये दो फैक्टर शुरुआत में आप हमेशा चेक करना है, एक तो इसका कि उसके मान लीजिए कि जैसे कि अभी अशोक लीलैंड ले लीजिए आप, उसका पुराना पैटर्न देखिए कि जब वो स्टार्टिंग हुआ था जहाँ से भी उसने ब्रेकआउट अच्छा दिया होगा बड़ा वाला, उसके पहले के सारे अच्छे से बारीकी की से उसको नोट करिए, मतलब समझिए, फिर इंडिकेटर पे वॉच करिए, उसको मिलाइए, उसके बाद उस पर अब जब भी देगा वो सेम कंडीशन में ही देगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे ये वो होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक बात बता रहा था आपको कि लास्ट में आपको डिसीजन लेने से आसानी होगी कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जो टाटा ग्रुप है ना, उसको फादर ऑफ गॉड इंडियन इंडस्ट्रीज ये कहा जाता है। वो अपने आप में ही एक रत्न है जो टाटा ग्रुप है, नहीं वो रिलायंस जैसा नहीं है कि आप 20-50 हज़ार करोड़, मान लीजिए कि 2 2 हज़ार कितने का प्रॉफिट है, ये लगभग 2 हज़ार करोड़ के समथिंग का भी प्रॉफिट है, नुकसान है जो भी है मान लीजिए, ये जैसे कि 2 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट है या मान लीजिए कि नुकसान होता है उससे कोई मतलब, ये ग्रुप अपने आप में ही एक रत्न है
है ना, ये कोई रिलायंस जैसा नहीं है कि मान लीजिए मैं जियो की उसकी बात कर रहा हूँ, आरकॉम भी है कि मान लीजिए कि 20-50 हज़ार करोड़ का नुकसान या कर्जा होता तो 5-6 रुपये पे आ जाए या फिर डूब जाए, ये कंपनी उनमें से नहीं है। क्योंकि इसका ग्रुप अपने आप में ही एक का मतलब अपने आप में एक स्टोरी है, जो भी है वो अपने आप में एक उसकी कोई तुलना नहीं है ना। मान लीजिए कि 2,000 की जगह ये भी 10 हज़ार या 20 हज़ार करोड़ का मान लीजिए नुकसान कर देती है, कोई उनमें की कंपनी तो है नहीं कि ये घर बैठ जाएगी, या फिर स्टॉक या शेयर मार्केट में मान लीजिए कि इसके शेयर बिल्कुल गिर जाएंगे। आपने कभी नोटिस ही नहीं की है, आप ध्यान से देखना, जब ये नुकसान में थी है ना, 2015 ले लीजिए आप, तब इसका रेट देखना, तो आपका इसका रेट लगभग 150 ऊपर का चलेगा क्या? मैं 2 मिनट बता ही देता हूँ ना, उस समय इसका रेट ये लगभग यहाँ पे चल रहा था, कितना था, 400-500 के समथिंग है ना, और अभी प्रॉफिट कर रही है तो उसका रेट 80-85। तो जो अच्छी कंपनी है, और मान लीजिए को कोई ये जगुआर वगैरह बड़ी जो इसकी ने मान लीजिए को उनमें नुकसान भी हो रहा है, तो कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए कोई ये नया कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर देंगे, इनके लिए कोई इस ग्रुप के लिए कोई अनोखी बात नहीं है करना। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप भी नहीं है ऐसा क्या है, मान लीजिए कि इस पे कर्जा हो जाए, ये कुछ भी कर्ज है कुछ भी है, तो ये उसको एडजस्ट नहीं कर सकती या फिर मार्केट में बनी नहीं रह सकती। आप थोड़ा दिमाग का थोड़ा लॉजिक लगाइए फिर डिसीजन लेना। ये सिंपल सी चीज़ें थी कॉमन सेंस की, कोई भी मतलब एक बार मतलब कि रिलायंस डूब सकती है पर ये कभी नहीं डूब सकती, ये बात हमेशा याद रखना आप। क्या, और ये मैंने आपको आज सिंपल तरीके से बताया, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में सिंपल बिल्कुल दिमाग पे बिना लोड लिए ही काम किया जाता है, वो तो शेयर मार्केट में क्या मालूम इतना किसने घुसेड़ दिया कि ऐसा है वैसा है। एनालिसिस जब आप अच्छे से, जब तक आप अर्निंग, खैर एनालिसिस एक बार अच्छे से करते सीख गए ना, उसके बाद आपको कोई तकलीफ ही नहीं है कि कैसे करना क्या नहीं करना क्या। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, मैंने सिंपल तरीके से अभी एक शुरुआत का बताया, क्या ये बन सकता है, मान लीजिए बन भी सकता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो बता दी मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।